जिस किसान के बच्चे तिरंगे में लिपट के घर आते हैं, तुम उस किसान से पूछो तिरंगे का मान क्या होता है। मुद्दा क्या है? खालिस्तान 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 ये करते हैं। क्या है खालिस्तान मुझे यह बताइए? आज 2% ही तो हैं सिक्कों के बंदे, आज तुम 80% लोग हो। जब तुम 80% होने के बाद इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे, तो हम 2% होने के बाद कहाँ से खालिस्तान बना लेंगे। इन संघियों का ये काम है, इनका काम है, इनका नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो इनको सिखाते हैं स्पेशल। इतनी खतरनाक तो ISI की ट्रेनिंग नहीं होती होगी जितनी खतरनाक ट्रेनिंग ये देकर के भीड़ों को आंदोलन खराब करने के लिए भेज देते हैं। 65 दिल से वहाँ पे सिख समुदाय के लोग बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पे, आज तक तो किसी ने तलवार नहीं लड़ाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ गिन्नी साहिनी है जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये आंदोलन लगातार चल रहा है। अभी बीच में 26 जनवरी के बाद से कुछ माहौल ऐसा हुआ था कि लग रहा था कि आंदोलन अब आखिरी कगार पर है, लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत जी का वीडियो वायरल हुआ और फिर से लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर आ पहुँचा है। सर, इस आंदोलन को लेकर अब क्या लगता है, किस तरफ ये जाने वाला है? क्योंकि ऐसे में ये सवाल ज़रूरी हो जाता है कि जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है तो अलग अलग तरह के स्लोगन्स, अलग अलग तरह के नारे दूसरी तरफ से लगने शुरू हो जाते हैं। एक भीड़ आती है जिसका कोई नाम नहीं होता है, टेलीविज़न पर उस भीड़ का नाम दिया जाता है कि ये स्थानीय लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो तंग आ रहे हैं। इसके पीछे का क्या मकसद है और इन आंदोलनों को किस तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है? देखिए, पीछे का मकसद तो आप काफ़ी दिन से देख ही रहे हैं, आप सिंधु बॉर्डर पे जो हुआ आज वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल बम फेंके गए हैं। पेट्रोल बम क्या होते हैं? यानी कि आग लगाने की पूरी संभावना। उन सिंधु बॉर्डर के लोगों के ऊपर पेट्रोल बम, पत्थर तक तो सब समझ में आई थी बात, इन्होंने ऊपर से पेट्रोल बम का छिड़काव किया है। और वो उसका क्या मतलब है कि पूरी जगह आग लग जाए, हाहाकार मच जाए, और उस हाहाकार में जब लोग भगड़ी मचाएंगे तो पुलिस वाले अपने मुकाम को पूरा कर लेंगे। आज आपने देखा होगा कि RSS के बंदे और पुलिस वालों के साथ मिलकर के वहाँ पे कत्लेआम मचाने की पूरा तैयारी करके आए थे। वहाँ पर जो इतने समुदाय के लोग थे, इतने किसान भाई थे, इतने बाकी सब लोग थे, सब ने हाथ जोड़े उनके आगे कि भैया हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए। पर उनके तंबू पाड़े गए, समझ रहे हो बात? उनके तंबू पाड़े गए, उन लोगों को मारा गया, फ्रैक्चर कर दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, एक सर फाड़ दिए। एक वहाँ से आंदोलनकारी को, सिख समुदाय के बंदे को उठा करके ले गई पूरी की पूरी भीड़, और 50 पुलिस वालों ने उसको मारा है। और उसके बाद कई दिल्ली पुलिस के बंदों का ज़मीर जगा है, जिन्होंने 200 बंदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। और अब ये देखिए कि इस्तीफे की पेशकश बढ़ती चली जाएगी। तो आज जो ये लोग काम कर रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है? जो आपने सवाल किया था कि हर बार कुछ भीड़ आती है जिसका कोई नाम नहीं होता, इस बार भी जो भीड़ आई है उसका नाम स्थानीय लोग कहा जा रहा है। पर आपको मैं बता दूं कि जो वो स्थानीय लोगों का नाम कह रहे हैं, उस बंदे का नाम अमन डबास है। मेरी बात समझ रहे हो बात? जो वहां पे पूरी भीड़ को लेके आया था, और वो BJP का बंदा है, उसकी वाइफ एक निगम पार्षद है BJP की तरफ से, वो पहले आम आदमी पार्टी का जो युवा विंग होती है, अध्यक्ष था उसका, वो अब BJP में है। तो वो स्थानीय लोग हैं क्या? मेरी बात समझ रहे हो बात? और वहाँ पे वो ऐसी ही डिमांड रख रहे हैं कि हम पेट्रोल नहीं भरवा पा रहे। दुनिया जानती है कि इतने बड़े हाईवे पे 50 पेट्रोल पंप हैं, आज उनको वहीं से प्रॉब्लम है। आज स्थानीय लोगों को यहाँ के क्या करना है मुझे आप ये बताइए? हाईवे पे स्थानीय लोग गिल्ली डंडा खेलेंगे? हाईवे पे स्थानीय लोग घूमने आएंगे? ये कोई पार्क है? मेरी बात समझ रहे हो बात? स्थानीय लोग जो हैं, आज स्थानीय लोगों का रास्ता कहाँ रुका हुआ है? आप देख रहे हो 4 लाइन का पूरा हाईवे है, अगर एक लाइन जाम कर भी दी गई है तो आपको 3 लाइन से रास्ता मिल रहा है ना जाने का। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ इतनी है कि स्थानीय लोगों का, जो भीड़ का आप नाम कह रहे हो, वो भीड़ तंत्र जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज वो भीड़ तंत्र जो है वो राजतंत्र के लिए काम कर रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो बात? तो ये भीड़ का सारा, आप JNU में भी आपने देखा होगा, आज जितने भी लोग आंदोलन करते हैं हर आंदोलन में भीड़ तंत्र आ जाता है, और बाद में उसको नाम दिया जाता है कि स्थानीय लोग हैं। आपने CA के दुकान देखा, शाहीन बाग के दौरान देखा आपने, एकदम से भीड़ आई, बाद में पता लगा वो भीड़ में जो कपिल गुज्जर था वो BJP का निकला। मेरी बात समझ रहे हो बात? कपिल मिश्रा, और जिसने गोली चलाई थी वो भी एक गुज्जर था, कपिल गुज्जर था मेरे ख्याल, और वो हाँ उसने जो गोली चलाई थी। तो ये क्या है? आज ये लोग आंदोलनकारियों पर, जो किसान नेता हैं, इनके ऊपर UAPA एक्ट लगाते हैं। UAPA एक्ट का मतलब है अनलॉफुल एक्ट, जो हमारे देश में सिर्फ नक्सलवादियों पे लगता है, हमारे देश में सिर्फ वो जो है आतंकवादियों पे लगता है। इन्होंने किसान नेताओं पे जो FIR की है वो UAPA एक्ट के अनुसार की है, आतंकवादी उनके ऊपर टैग लगा दिया गया है। अब आप यहाँ देखिए, किसान नेताओं को आतंकवादी दिखाना ये कहाँ तक जाया जाए? मेरी बात आप समझ रहे हो? ये क्या है कि इनको टैग लगाओ, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो ताकि ये डर जाएं और भाग जाएं। बमदे बा हर मुद्दे में इन्होंने, शाहीन बाग ले लो, JNU ले लो, जितने लोग भी आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है नैतिकता का रास्ता भूल के भीड़ तंत्र का सहारा लेती है। और ये इनकी राजनीति आज से नहीं देख रहे लोग, बरसों से देखते आ रहे हैं, समझ रहे हो बात? इन संघियों का ये काम है,
इनका काम है, इनका नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो इनको सिखाते हैं स्पेशल। इतनी खतरनाक तो ISI की ट्रेनिंग नहीं होती होगी जितनी खतरनाक ट्रेनिंग ये दे करके भीड़ों को आंदोलन खराब करने के लिए भेज देते हैं। 65 दिल से वहाँ पे सिख समुदाय के लोग बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पे, आज तक तो किसी ने तलवार नहीं लड़ाई, मेरी बात समझ रहे हो? बात कल इन्होंने कह दिया तलवार ले रही है। ये मुद्दे क्यों बनाए गए, ये मुद्दे भड़काए क्यों गए? इनका मकसद ये था कि जो इतनी मिलिट्री थी साथ में, पुलिस वालों के साथ मिलकर लोग मार रहे हैं, इनका मकसद ये था कि वहाँ से अगर पहल हो गई तो हम यहाँ से पूरी मिलिट्री को उतार देंगे, मारो पीटो और लोगों को भगाओ, और इनके पास एक जवाब हो जाएगा मीडिया में दिखाने के लिए कि देखो जी जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन्होंने ये काम किया, और हमें इस काम को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जो लोग गुस्से में हैं इनको गुस्से को दबाने के लिए जो रोष पैदा हो रहा है उसके लिए हमने लाठियाँ चलाई हैं, उसके लिए हमने गोलियाँ चलाई हैं, ये सब काम होता चला जाएगा। अच्छा, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं और जो भी प्रोटेस्ट हुआ है उसमें जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भीड़ आई है, इसके अलावा एक और चीज़ राष्ट्रवाद, देशभक्ति, तिरंगे से जोड़ना, ये स्लोगन्स आम हो गए हैं। अभी भी किसानों को खुले तौर पर चिट्ठी लिखकर BJP के विधायक जो है वो आतंकवादी कहते हुए नज़र आ रहे हैं। वो गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजते हैं कि आप हमें छूट दीजिए और हम इन्हें हटा कर दिखाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं उनको एंटी नेशनल, तो ये जो एंटी नेशनल कह देना किसी को भी, ये किस तरफ लेकर जाने की कोशिश है और क्यों ऐसा हो रहा है? ये युवाओं को दबाने का एक प्रयास है। नंद किशोर गुज्जर जी जो यहाँ पर के विधायक हैं वो यहाँ पर आपने देखा होगा 28 तारीख को भीड़ लेके आए थे 300 आदमियों की, वो RSS के बंदे थे, वो उनके BJP के अपने कार्यकर्ता थे। आज मुझे ये बात बताइए कि सरकार के पास प्रशासन कमी है? आज इतना प्रशासन, 2500 पुलिस वाले इन्होंने खड़े कर दिए उस दिन बंदूकें लेकर के, अपनी मशीनें लेकर के, आज इनको फिर 300 लोगों की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो डायरेक्ट जाके लाठीचार्ज नहीं कर सकते थे, मेरी बात को ध्यान रखना। तो इन्होंने वो 300 आदमियों की भीड़ बुलाई, तुम जाओ पहले तुम शुरुआत करो, फिर जब वहां से शुरुआत होगी तो फिर हम पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। ये जो काम किया जा रहा है, आपको लग रही है ये साजिश क्या है, ये आपके सामने है, आपने देखा होगा 1 मिनट की वीडियो वायरल हो रही है कि दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आपको मैं 1 मिनट की वीडियो दूंगा आप उसको साथ में लगाना। वहां पे जो पूरी इसके नीचे पुल के नीचे जिस दिन 28 तारीख को पुलिस वाले खूब आए हैं वहां पे 4-5 महिलाएं हैं और महिलाओं के साथ 10-15 आदमी आए हैं, और वो लोग दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। वो क्या था, मतलब दिल्ली पुलिस वालों को वो साफ कह रहे हैं कि तुम जो काम करो, कल आपने सिंधु बॉर्डर में भी देखा ही होगा जो वो स्थानीय लोग अपने आप को बता रहे हैं, वहां पानी के टैंकर आने की अनुमति नहीं है और वहां पे 100-150 आदमी कैसे घुस गए, और स्लोगन देते हुए तिरंगे की बात को लेकर के, आज 26 जनवरी का कंटेंट था तो इसे तिरंगे से जोड़ दिया, अगर ये 26 जनवरी का कंटेंट ना होता, इलेक्शन का होता, तो इसे पाकिस्तान से जोड़ते, इसे नक्सलवाद से जोड़ते, अगर वो भी ना होता तो इसको धर्म से जोड़ते, मंदिर से जोड़ते, मस्जिद से जोड़ते। इनके पास जो है हर काम के पास एक पैतरा है, इनके पास हर चीज़ का एक पैतरा है, कभी ये मंदिर पे आ जाते हैं, कभी ये मस्जिद पे आ जाते हैं, कभी ये पाकिस्तान पे आते हैं, कभी ये चाइना पे आते हैं, कभी देश के जवानों पे आते हैं। अब 26 जनवरी का मौका था तो वो तिरंगे पे आ गया, और आज देश की जो धार्मिक भावनाओं के साथ साथ इन्होंने देशभक्ति की भावनाओं का जो इस्तेमाल किया उसका इन्होंने बहुत अच्छा किया। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब अपने 26 जनवरी को अपने प्रशासन में, जहां उनका जगह है अपने ऑफिस में, वो BJP का तिरंगा लहरा रहे हैं, BJP का तिरंगा लहरा रहे हैं उसके अंदर फूल डाल के, और राष्ट्रीय जनगणमन चल रहा है। आप मुझे ये बताइए ये लोग तिरंगे का सम्मान करना जानेंगे? आज जो इनके बंदे खड़े होकर के स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है कि तिरंगे का सम्मान नहीं किया गया, मैं उनसे पूछता हूँ जब BJP के आदमी तिरंगे की जगह BJP का चंग लहराते हैं 26 जनवरी के दिन, तब सवाल क्यों नहीं होते? जब प्रधानमंत्री नाक पहुंचते तिरंगे से तब सवाल क्यों नहीं होते? जब मनोज वाजपेयी की रैली में, मनोज तिवारी की रैली में जो एक पूरी की पूरी इनकी जीप थी, उस जीप के ऊपर तिरंगा था बिछा हुआ और उस तिरंगे के ऊपर एक आदमी अपनी तशरीफ रख के बैठा हुआ है, मेरे पास फोटो है मैं आपको दूंगा, मनोज तिवारी सामने है, रैली चल रही है, उनकी जीप के ऊपर तिरंगा पड़ा हुआ है और तिरंगे के आगे आदमी अपनी पीठ लगा के, पीछे तशरीफ लगा के उनकी जिप्सी के बोनट में बैठा हुआ है, ये क्या है? आज मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, इनका जो मेन मकसद बन चुका है वो लोगों की आवाज़ को दबाना है, पर मैं आपको बात बता दूं कि हर उड़ती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती, हर उड़ती हुई आवाज़ दबाई नहीं जाती, इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती, जब हुकूमतें हो जाए तानाशाही तो गर्दनें कटाई तो जाती हैं पर झुकाई नहीं जाती। आपके इस नारे से ऐसा नहीं लगता कि ये एक तरीके से टकराव की तरफ को लेकर जाने की? टकराव तो जब हमें मारने के लिए सरकार बंदे भेज रही है तो वो टकराव ही तो है, जब कल उन्होंने भीड़ तंत्र भेजा, पर मैं आज ये बात बोल दूं वो हमें मारे कोई दिक्कत नहीं है, पर किसान पहल नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसान ने पहल कर दी तो वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ टकराव का मतलब है कि हम शहादतों के लिए तैयार हैं, आपने जो अपने मंसूबे करने आप कर लो, पर हमारी तरफ से ना पहल होगी ना होगी। और आपको ये बात भी बता दूं, कल जो निहंग फौजी हैं उन्होंने सरकार को सिंधु बॉर्डर से, उन्होंने पूरी वीडियो बना करके बोला है कि अगर ये ऐसा करेंगे दोबारा
तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होंगे। और उन्होंने साफ बोला है कि अगर आप की बड़ी भीड़ तंत्र आता है तो साथ में अपनी बोरियां भी भेजना और ट्रालियां भी भेजना, बोरियों में भर के भेज देंगे। सरकार को चेतावनी दे दी उन्होंने भी, क्योंकि अगर हमारे लोगों को बेफालतू में मारा जाएगा, किसानों को मारा जाएगा, किसानों को दबाया जाएगा, तो ये काम तो हो गई। आज उनको यही अगर खून का तंत्र देखने का सरकार को शौक पड़ा है तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी। आज एक कुत्ते को भी आप पत्थर मारो तो वो भी पलट के आपको काटने के लिए दौड़ता है। आज तुम देश के किसान पर लाठी बरसा रहे हो, आज तुम उसको तिरंगे के सम्मान अपमान की बात बता रहे हो। जिस किसान के बच्चे तिरंगे में लिपट के घर आते हैं, तुम उस किसान से पूछो तिरंगे का मान क्या होता है। सोचने की बात है, बॉर्डर पे क्या सरकार के आरएसएस के बंदे बैठे हैं, क्या इनके गुजराती बैठे हैं, कौन बैठा है बॉर्डर पे? सारे के सारे किसान भाइयों के बच्चे बैठे हैं। आज चाइना बॉर्डर सिख रेजिमेंट ने संभाल रखे, आज सिख रेजिमेंट को चाइना बॉर्डर से अगर बुला लिया जाए और आरएसएस के बंदों को भेज दिया जाए तो दूसरे दिन पूरा लद्दाख कवर हो जाएगा चाइना के द्वारा। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज ये लोग हमें आतंकवादी बता रहे हैं। आज मुद्दा क्या है? खालिस्तान 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 ये करते हैं। क्या है खालिस्तान मुझे यह बताइए? आज 2% ही तो हैं सिख कौम के बंदे, आज तुम 80% लोग हो। जब तुम 80% होने के बाद इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे तो हम 2% होने के बाद कहाँ से खालिस्तान बना लेंगे? आप ये बताओ ना, कहाँ से खालिस्तान बना लेंगे? आज खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस्तान का मतलब होता है खालसा का राज, जो राजा रणजीत सिंह जी के टाइम में था। मेरी बात रखो, मेरी बात, उसे खालिस्तान कहा जाता है।